अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स में हमने फर्स्ट टाइप से रिलेटेड हर चीज़ डिस्कस कर ली है, जो कि है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें ऐड थी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर या मॉडुलस भी उसको बोलते हैं, ठीक है। जो डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसको रिमाइंडर भी बोलते हैं या फिर मॉडुलस। इसके अलावा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, ये हर चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। और आज का जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स किसे कहते हैं। एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे अब समझाऊंगी, ठीक है, प्रॉपरली करके, ताकि आपको समझ आ सके। लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम एक वेरिएबल को, सपोज मैंने वैल्यू दी है 20 और दूसरे वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी है 4, ठीक है। यानी एक्स को मैंने समझ लें कि दी है कि वैल्यू 20 और वाई को मैंने दी है 4। अब मैं कह दूं कि जो एक्स है उसको बराबर कर दो वाई के, ठीक है। तो वाई की अमाउंट मैंने अभी क्या बताई, 4। तो मैंने अभी इसको ये कहा कि वाई की जो वैल्यू है वो एक्स को असाइन कर दो, ठीक है। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक अडोब ड्रीम वीवर, जो कि हमारा एडिटर है। होप्स हो कि आप सब ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसको मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसको मैं ओपन करती हूँ, टाइटल टैग के इनर साइड, जैसे कि आपको पता है कि हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं, और बॉडी टैग के इनर साइड भी वेरिएबल्स को कॉल करवाने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो आपने टाइटल टैग के बाद भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें और बॉडी टैग के बाद भी स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करें। गाइज, मैंने स्क्रिप्ट टैग का यूज़ यहाँ पे टाइटल टैग के बाद भी किया है और बॉडी टैग के बाद भी किया है। तो यहाँ पे अब हम कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे मैंने कहा एक्स को, एक्स बराबर है किसके, 20 के, ठीक है। और मैंने कहा वाई बराबर है 4 के। ये दो वेरिएबल्स मैंने बनाए, एक्स को मैंने वैल्यू दे दी 20 की और वाई को मैंने वैल्यू दे दी 4 की। याद रखिएगा, आज हमने करना है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे मैंने इसको कहा कि एक्स को बराबर कर दो किसके, वाई के। दो वेरिएबल्स बनाए, एक्स को वैल्यू दे दी मैंने 20, वाई को मैंने वैल्यू दे दी 4, और ये भी कह दिया कि एक्स को बराबर कर दो किसके, वाई के। एक्स को क्या कर दो, इक्वल कर दो वाई के। तो एक्स को इक्वल वाई के वो किस तरह से करेगा, बॉडी टैग के इनर साइड आए और एक स्टेटमेंट है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट को इंटीजर्स को कॉल करवाते हैं। टेक्स्ट के लिए हमें उसको बनाना पड़ता है स्ट्रिंग, यानी कि सिंगल या डबल कोट्स का यूज़ करना पड़ता है। और इंटीजर्स यानी नंबर्स को कॉल करवाने के लिए हमें ना तो सिंगल की ज़रूरत है ना ही डबल कोटेशन की ज़रूरत है, आपने सिंपल जस्ट आपने नंबर ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मैं करूँगी इन वेरिएबल्स को कॉल। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में मैंने अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाई है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से, और इसको यहाँ पे कहा कि एक्स को बराबर कर दो वाई के, ठीक है। एक्स को इक्वल कर दो वाई के। इस फाइल को मैं कर लूँगी सेव। आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स सीख रहे हैं, तो मैं इस फाइल को असाइनमेंट ऑपरेटर्स का नाम ही दे दूँगी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मैंने लिखा, इसको कर लेते हैं हम सेव। इसको करते हैं मिनिमाइज। ये है जी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स।
इस फाइल को गूगल क्रोम पे ओपन करके देन आपको व्यू दिखाती हूँ। आंसर आ गया मेरे पास यहाँ पे 4। 4 क्यों आया है, पहले तो मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ। आप कंट्रोल प्लस का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आया है 4। एक्स को वैल्यू दी थी 20 की, वाई को दी थी 4, लेकिन ये वहाँ पे आंसर आ गया है 4। 4 ही आना चाहिए क्योंकि मैंने कहा कि एक्स को इक्वल कर दो वाई के, तो वाई की वैल्यू क्या है 4, तो उसने एक्स को क्या वैल्यू साइन कर दी 4, ठीक है, उसने वाई की इक्वल कर दिया ना इसको, क्योंकि हमने उसको यही कहा कि एक्स को इक्वल कर दो वाई के। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स बना है, ठीक है, सपोज अब मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, कॉल नहीं करवाती, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो ये गाइस, ये हमने एक तरह से वेरिएबल्स अभी बनाए हैं, यहाँ पे कॉल तो करवाएंगे तभी आंसर यहाँ पे शो होगा ना। ये देखिए, जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट को रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो मेरे पास गूगल क्रोम पे कुछ आंसर शो नहीं हो रहा। यहाँ पे एक टाइटल आ रहा है, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, इसको भी हम टाइटल आज दे देते हैं, ज़रा टाइटल देना ही भूल जाते हैं। मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर्स का ही टाइटल दे दिया है। चलें इसको वापस लेकर आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट को। मैंने वापस डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट लिख ली है, इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करने लगी हूँ, तो आंसर मेरे पास है 4, जो कि बिल्कुल ठीक है, राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। इस नेक्स्ट मैंने लिखा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है उसको भी प्लस करो और इज इक्वल टू जो वाई की है उसको भी साथ ऐड कर लो, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू को भी प्लस करो, ठीक है, और साथ वाई की भी, ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो, इसके अंदर एक्स की जो वैल्यू है वो भी प्लस कर लो, साथ वाई को भी ऐड कर दो। यानी कि जो एक्स की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे तो आपको 20 ही शो हो रही होगी क्योंकि हमने एक्स को जो वैल्यू दी है वो है 20, लेकिन हमने जब असाइन की है वैल्यू एक्स को, वो क्या दी थी, वाई की वैल्यू, तो वैल्यू क्या है एक्स के पास अब इस टाइम 4, तो इट्स मीन कि ये 4 है, एक्स की वैल्यू 4 है और इस इक्वल टू वाई की भी 4 है, तो ये मिलकर बनना क्या चाहिए, 8 आंसर आना चाहिए। तो हम इसको सेव करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास 8 आता है कि नहीं। पहले यहाँ पे मैं कुछ ब्रेक का टैग ऐड कर लूँ ताकि वो सेपरेट होके नीचे आपको शो हो। एक ब्रेक टैग मैंने ऐड किया विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन साइन, ये कनकैटिनेशन का साइन है, ये प्लस का जो निशान है, ठीक है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे उसने दो दफ़ा 4-4 रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन क्यों, क्या मसला ऐसा बना कि उसने यहाँ पे 4-4 असाइन कर दिया। गाइज, ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली, इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं कमेंट्स ताकि ये उसके साथ मिलके काम ना करे, ठीक है। पहले आप इस तरह करें, इस ब्रेक के टैग को कॉपी करें और कॉपी करके नीचे वाले में भी ऐड कर दें, ठीक है, हर एक में ऐड करते जाएं। कंट्रोल एस किया तो 4-4 ही अभी आना है क्योंकि हमने तो जस्ट ब्रेक का टैग ऐड किया और तो कुछ नहीं किया ना, इसको पहले आप कमेंट्स कर दें। मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट को कर दिया कमेंट्स, पहले मैंने ब्रेक का टैग ऐड किया विद द हेल्प ऑफ कनकैटिनेशन साइन, ठीक है, ताकि वो ब्रेक हो जाए। अब मैंने ऊपर वाली स्टेटमेंट को कर दिया है कमेंट्स ताकि ये काम ना करे, लिखी हुई नज़र आए
लेकिन काम ना करे। इसको कंट्रोल ऐसे कर लेते हैं, सेव, इधर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आंसर आना चाहिए 8, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 44 आ रहा है। गाइस, मैंने आपसे कहा था कि जब आपने कभी इस तरह से दो वैल्यूज़ को एक तरह से प्लस या माइनस करवाना हो, ठीक है, या दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवाना हो और आपके पास लगा हो स्ट्रिंग, तो ये क्या करती है, ये इसको भी टेक्स्ट बना देती है, ठीक है। देखें ना, मैं अब इसको, ये देखें, मैं आपको दोबारा से रिज़ल्ट शो करवा देती हूँ। ये ब्रेक की वजह से स्ट्रिंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रिंग की वजह से ये भी टेक्स्ट बन गया। जब ये चीज़ भी टेक्स्ट बन जाए, इसको हमें जब दोबारा से इंटीजर्स में बनाना हो, ठीक है, ताकि हमारा जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया वो काम करने लग जाए, तो इसके स्टार्ट पर आके इवेल्यूएट कर लेते हैं। लेकिन पहले मैं दोबारा से आपको रिज़ल्ट शो करवाती हूँ, ठीक है। आंसर अभी भी 44 आ रहा है, ओके। स्टार्ट पे आएँ, यहाँ लिखें इवेलुएट, ठीक है, और इसको आपको पता है आपको फिर सेपरेटली ब्रैकेट्स में क्लोज करना पड़ता है। मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे एक चीज़ प्लस कर रहे हैं, फिर आप स्ट्रिंग का यूज़ कर रहे हैं, देन फिर से आप एक माइनस या मल्टीप्लाई कुछ करवा रहे हैं, तो उसके साथ इवेलुएट या यूज़ किया करें। अब ये स्ट्रिंग नहीं रही, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीजर्स की फॉर्म में ये अप्लाई किया जा रहा है, अब ये वर्क करेगा। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अब देखिएगा, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8। अगर आप इवेलुएट नहीं यूज़ करना चाहते, सपोज मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है, तो आप इस स्ट्रिंग को ख़त्म कर दें, ठीक है, यानी कि ब्रेक के टैग को अगर आप ख़त्म करते हैं, सपोज़, अब देखिए मैंने सेव किया, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर फिर भी 8 रहेगा। वो हमारे पास जो ब्रेक का टैग हम यूज़ करते हैं, उसकी वजह से ये बन जाता है एक स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी देखें, अब मैं इस कमेंट्स को भी ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, ये ले, कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे फिर से उसने क्या कर दिया, 444। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग यूज़ हो रही है। इसको मैं ख़त्म कर देती हूँ, सपोज़, ये लें, ठीक है, इसको कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, तो ये देखें एक टाइम पे मेरे पास आंसर है 4 का, और दूसरा मेरे पास आंसर 8 आना चाहिए, 8 ही आ गया। ब्रेक की वजह से वो नीचे था ना, इस वैसे तो इसने ऐसे इकट्ठे ही शो होना है आपको आंसर में, तो एक दफ़ा मेरे पास 4 आ गया और एक दफ़ा मेरे पास 8 आंसर आ गया। लेकिन अगर आप ब्रेक का टैग यूज़ करते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है, उसके लिए आपको यहाँ पे इवेलुएट आके करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अगेन इवेलुएट भी लगा दिया और ब्रेक के टैग्स भी लगा दिए, ठीक है, इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये देखिए हमारे पास अब क्या हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो है वो बनाया ही नहीं। इसको इस तरह से कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश करें, कुछ नहीं आया, ओके, अब क्यों नहीं आया? अब इसलिए नहीं आया कि मैंने कनकैटिनेशन से पहले इसको स्ट्रिंग बनाया है, कनकैटिनेशन के बाद इसको स्ट्रिंग बनाना है। छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी आप देख लेंगे वो किस तरह से कैच कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अब स्ट्रिंग बन गई है, अब हम रिफ्रेश करते हैं, तो आंसर अब 4 शो करवा रहा है, ठीक है, इसके बाद वो शो ही नहीं करवा रहा। क्यों नहीं करवा रहा? इसके स्टार्ट पे आ जाएं और इवेलुएट यूज़ कर लें, कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश किया, तो आपने देखा कि हमारे पास 4 आंसर भी शो हो रहा है और 8 भी शो हो रहा है। तो गाइज़, ये छोटी 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 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बार बार चेंज करके डिफरेंस आपको बता रही हूँ, ताकि आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आपने उसको करेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे बन गई है, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, इवेलुएट करना है जी। फर्दर स्टार्ट करते हैं जी काम। नेक्स्ट, मैंने जस्ट कुछ भी नहीं किया, ये माइनस ऐड किया है प्लस की जगह बस, ठीक है। आंसर पहले देख लेते हैं कि क्या शो करवा रहा है, कुछ करवा भी रहा है कि नहीं करवा रहा, रिफ्रेश करते हैं,
आंसर क्या शो करवा रहा है? 4। बिल्कुल ठीक आंसर शो करवा रहा है। कैसे? मैंने कहा जो एक्स की अमाउंट है वो माइनस कर दो और बराबर है वाई की ऐड कर लो, यानी कि वाई की हमारे पास जस्ट अब अमाउंट आ गई, एक्स तो माइनस कर दिया मैंने, पहले मैंने एक्स को भी प्लस किया था, वाई को भी ऐड कर दिया था, 8 बन गया। अब मैंने एक्स को माइनस करवा दिया, सिर्फ वाई ऐड हुआ है तो वाई की अमाउंट तो जस्ट 4 बनेगी। ठीक है, अब आपको आई होप सो कि कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशन की है, जिससे हमारा इजी हो जाएगा नीचे वाला काम। जस्ट माइनस किया, ठीक हो गया। अब मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को, एक्स की अमाउंट को मल्टीप्लाई भी करो और ऐड भी कर दो, किसको? वाई को। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आंसर 16 ही आना चाहिए। कैसे? एक्स ने मल्टीप्लाई होना है वाई की अमाउंट के साथ, तो 4 4 16 ही होता है ना, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। तो क्या होगा कि एक्स की अमाउंट ने मल्टीप्लाई होना है वाई की अमाउंट के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने उसको कह दिया डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करता है, देखते हैं कि क्या करता है, रिफ्रेश करते हैं, आंसर 4 आ गया, बिल्कुल सही है। अब 16 आंसर है ना हमारे पास लास्ट टाइम का, तो 16 को अगर हम डिवाइड करें 4 पे तो 4 ही आता है, 4 4 16। अब मैंने इसमें रिमाइंडर यानी कि मॉडुलस ऐड कर दिया है, 16 ने जब 4 पे डिवाइड हुआ तो 4 आंसर आया, क्योंकि 4 4 16 होता है। अब रिमाइंडर में क्या आएगा? कुछ भी नहीं, 0, क्योंकि फुल 4 पे वो डिवाइड हो रहा है 16। ठीक है ना, अगर अमाउंट ऐसी हो जो 4 के टेबल में ना आ रही हो, 4 उसको फुल डिवाइड ना कर पा रहा हो, तब रिमाइंडर बचता है ना। अब 0 आना चाहिए आंसर हमारे पास, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं, 0 ही आ गया जी जनाब। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0, जो कि बिल्कुल ठीक है। होप सो आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी, हर चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया गया है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट पे मे बी आपको लगी हो, क्योंकि बार बार चीज़ों को रेज करना, दोबारा ऐड करना, वो इसलिए कि नीचे वाली चीज़ें भी इजीली फिर समझ आ सकें। ठीक है, एक प्रैक्टिस है ये। ये थे हमारे पास आज के असाइनमेंट ऑपरेटर्स। गाइस, यहाँ पे मैंने अब बनाए हैं 2 वेरिएबल्स, नेम दोनों का सेम है, मैंने कहा नेम और वैल्यू मैंने उसको दे दी अरसलान। ठीक है, फिर मैंने कहा नेम प्लस, नेम प्लस का मैंने यूज़ क्यों यहाँ पे किया अभी मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताऊँगी। एक वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी अरसलान, दूसरे वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी मजीद, साथ जस्ट प्लस का साइन ऐड किया है। अब ये दोनों मिलके क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, पहले तो नीचे इसको बॉडी सेक्शन में कॉल करवाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉल करवा लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा मैंने जस्ट नेम है, वेरिएबल 2 बने हैं, नेम नेम अरसलान मजीद, वैल्यूज़ भी डिफरेंट हैं। ठीक है, 2 बनाए हैं, लेकिन कॉल जस्ट मैंने एक दफ़ा किया है, ये बात आपने याद रखनी है, कॉल मैंने सिर्फ एक दफ़ा किया है। इसको कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या शो होता है। मैंने कहा रिफ्रेश, तो अरसलान मजीद इकट्ठा ये आपको शो हो रहा है। कैसे? वो इस तरह से कि नेम मैंने अरसलान दिया, नेम के साथ मैंने कहा प्लस, ऐड क्या कर दो? मजीद। ठीक है, नेम का कहा अरसलान और इसके अंदर मजीद क्या ऐड कर दो? मजीद भी इसके साथ प्लस कर दो, यानी कि इसके साथ ऐड कर दो। तो जस्ट जब हमने एक दफ़ा भी उसको कॉल करवाया, उन दोनों नामों को इकट्ठा उसने कनेक्ट करके जोड़ के यहाँ पे शो करवा दिया। मजीद मैंने इसमें ऐड कर दिया नेम, फिर से मैंने कहा प्लस अली। ठीक है, अब हम इसको सेव करके देखते हैं, कॉल मैंने वही किया हुआ है, नेम ही कॉल मैंने वही एक दफ़ा ही नेम को किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर मैंने प्लस ये भी कह दिया अली ऐड कर दो। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देखेंगे इसके साथ अली भी ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि आप अगर वेरिएबल्स के नाम को जस्ट ऐसे
सेम देते जा रहे हैं और साथ प्लस ऐड करवाते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐड करवाते जा रहे हैं तो वो ऐड होता जाएगा। जोया ऐड कर दिया मैंने, रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। थे आज के हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हो सके तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियोस को शेयर एंड कमेंट भी अच्छा सा लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।